Welcome, friend. My name is Raj Barge. I'm co-founder and director of Raj Computer Education. और आगे का लेक्चर हम शायद ही मिलेंगे. देखिए, वो बेसिकली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि हम लोग ये जो फार्मूला का सेकंड पार्ट है, जैसा डिफाइन नेम है, फार्मूला ऑडिट है और कैलकुलेशन, इन तीन चीज़ों के बारे में थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं. नाउ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नेम डेफिनेशन क्या करता है. ये नेम डेफिनेशन आपको हेल्प करेगा किसी भी रेंज को लॉजिकल नेम देने के लिए, मतलब उसको एक नाम दे देगा, बराबर है, जो आपको आगे जाके काम करेगा. देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैनेज नेम मैनेजर, तो यहाँ पे मुझे कई सारे नाम्स आ रहे हैं. यहाँ पे नाम मुझे कुछ तो बता रहा है कि ये सेल है जनवरी का, या ये टोटल है, शायद मैंने नाम दिया था इसका टोटल डैश सेल डैश टोटल, ऐसा नाम दिया था. मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ. तो मैं फिर से इसको लॉजिकल, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, यहाँ पे एक लॉजिकल नेम था, इसका नाम था सेल्स डैश टोटल. तो अभी वो डिलीट कर दिया तो एरर शो कर रहा है. फाइन, इसको मैं ऐसा ही रखता हूँ. मुझे इस डेटा को ये सेल्स का जो डेटा दिख रहा है, इसको एक लॉजिकल नेम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको आगे जाके रेफर करूँ. तो इसका आगे जाके रेफर कैसा करेंगे, देखो मैं इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करता हूँ और ये जो ऊपर ऑप्शन है डिफाइंड नेम्स में, डिफाइंड नेम बोल के ऑप्शन, उस पर नाम देता हूँ. पहले तो जो नाम है ना, वो उस कॉलम का जो हेडिंग है उसका नाम वो खुद पिक कर लेगा. लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा अलग हो जाए, तो मैं इसको बोलूँगा सेल्स के बाद मैंने बोल दिया TOTL टोटल. ऐसा एक लॉजिकल नाम अपने आप से खुद से दे दिया मैंने. तो मैंने एक लॉजिकल नाम स्टोर किया इस मेमोरी लोकेशन के लिए. मतलब क्या, ये पूरा है C13 से लेके C17 तक, ये पूरा रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल सेल. अब इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे इसको यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ इक्वल टू. अगर मैं सम बोलूँगा तो पहले नॉर्मली मैं कैसा सम बोलता था, मैं यहाँ पे क्लिक करता था, मैं बोलता इस चीज़ का सम करो, जो मेरा नॉर्मल प्रैक्टिस है. फाइन, क्लियर, फाइन. लेकिन अभी अगर मुझे अभी इसको सम बोलना है, फाइन, तो मैं इसका लॉजिकल नेम उसका रेफर करूँगा. यहाँ पे आ गया मैं, अभी बोलूँगा यूज. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यूज इन फार्मूला, मतलब नेम्स टू बी यूज इन फार्मूला. तो मैंने जो लॉजिकल नेम दिया था इसके पहले सेल्स अंडरस्कोर टोटल, उसको सिलेक्ट किया. तो देखो मुझे ब्लू कलर में उसका रेंज भी दिख रहा है यहाँ पे. और हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, बराबर, वेरी डन, फाइन. अभी कपिल जी ने क्वेश्चन पूछा था कि इसका यूज़ कैसा करना है. तो देखो नॉर्मली कैसा है ना, कि ऐसा कंसीडर करते हैं, हमने लास्ट टाइम एक डेटा लिया था, वैसा कंसीडर करते हैं, हमारा ये जनवरी का सैलरी है, ये हमारा फरवरी का सैलरी है. तो ऐसे मेरे पास कई महीने का सैलरी हो सकता है. तो मैं क्या करता हूँ, वो जो सैलरी रहेगा उस महीने का, उसको एक लॉजिकल नाम देता हूँ. तो कैसा दूंगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, बराबर है, और मैंने यहाँ पे बोला डिफाइन नेम्स में, पहले नेम डिफाइन किया. तो मुझे बोला इसका नाम मैं कर दे रहा हूँ जैन सैलरी, बोला ओके. तो मैंने इस चीज़ का लॉजिकल नाम फिर से सिलेक्ट किया, और फिर बोला डिफाइन नेम, और फिर मैंने बोला कि डिफाइन नेम, उसने नाम दिया फिर से फेब अंडरस्कोर सैलरी. देखो अगर वो कहीं पे भी स्पेस उसको मिलेगा तो उस स्पेस को रिप्लेस कर देगा अंडरस्कोर के साथ, ओके. अब मैं चाहता हूँ कि ये प्लस ये इसका टोटल मुझे यहाँ पे मिल जाए. तो कैसा करूँगा, मैं इसको बोलूँगा इक्वल्स टू SUM सम. तो पहले का नाम क्या था, मैंने बोला यस, पहले का रेंज था जनवरी का सैलरी, मैंने ऐड किया फरवरी के सैलरी के साथ, फिर से मैंने फरवरी का सैलरी उसमें ऐड कर दिया और मैंने क्लोज कर दिया, एंटर, बराबर है. नहीं, मुझे लगता है ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, कॉमा देना चाहिए था. यहाँ पे एंटर किया, सैलरी हो गया, मतलब क्या, दो महीने का सैलरी यहाँ पे आ गया, क्लियर. अच्छा, और एक चीज़ अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, अगर कुछ रीजन से अगर ये रेंज बड़ा हो जाता है, बराबर है, मतलब क्या, मैं यहाँ पे एक सिक्स रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिक्स रिकॉर्ड डाला और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अभी करीना, बराबर है, उनका सैलरी आ गया. तो यहाँ पे सैलरी आ गया 65,000. तो अभी ये अगर मैं इस फॉर्मूला रेंज में जाऊँ, मैंने बोला यहाँ पे जाऊँ नेम मैनेजर में जाऊँ, अगर वो मैं जनवरी का सैलरी देखूँ ना, तो उस रेंज में वो 7 तक ही है. 7 मतलब इट इज़ ओनली अप टू शाम. इसमें क्लिक करके कोशिश करता हूँ देखने के लिए, देखो ये इतना ही है. मैं चाहता हूँ ये 8 तक हो जाए, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं ऐसे दिस इज अप टू 8 नाउ. और फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो देखो वो अपने आप उस चीज़ को उस रेफरेंस में मुझे लेना चाहिए. मैंने बोल दिया क्लोज, बराबर, यस. तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने ना जैसा ये रेंज अपडेट किया, यहाँ पे अपने आप वो टोटल भी चेंज हो गया, उसमें 65,000 ऐड हो गया.
मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो दिस इज 4,55,000। ये क्या करता हूँ मैं एक चीज को, अभी ये रेंज में आ गया, अगर यहाँ पे जीरो होता था तो वो वहां से घट जाएगा, इट इज रिड्यूसिंग द वैल्यू। लेकिन अगर मैं यहाँ फिर से 65,000 डालता हूँ, मतलब क्या है, आप लॉजिकल नेम में अगर चेंज करते हो ना तो आपके ओरिजिनल फॉर्मूला में अपने आप अपडेट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के लिए यहां तक नहीं, ये पूरा जनवरी का सैलरी है, क्योंकि मैंने इसके नाम में चेंज किया। तो नाम का बेनिफिट ये है कि आपको वो आगे रेफर करने में काम बहुत इजीली आता है, क्योंकि आपका जो डेटा है, आपका जो रेंज, वो चेंज होते रहता है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास जनवरी में 6 लोग थे और कोरोना के कारण फरवरी में मैंने 1 को निकाल दिया या वो बेचारा छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे हम लोग उसको मैनेज कर सकते, तो ये नहीं सकता काम करते। और इसको कंट्रोल करना है इन सब सबको, तो मैं क्या करूँगा, मैं यूज करूँगा ये नेम मैनेजर। मुझे किसी का भी रेंज चेंज करना है या किसी का भी नाम चेंज करना है तो मैं उनका उनको यहाँ पे जाके न्यू कर सकता हूँ, या नया यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, या एडिट कर सकता हूँ, या डिलीट कर सकता हूँ। इस वजह से आप इसको काम कर लेंगे, फाइन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद फिर से इसका सेकंड शीट देखते हैं। अब ये अगर आपको समझ में आ गया रहेगा तो दूसरा चीज़ है, अच्छा यहाँ पे और एक चीज़ मुझे बोलना रह गया, वो है क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन। क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन वैसा ही है, देखो मैंने क्या किया, मैंने पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया, बराबर है, और मैंने बोला जिसको सिलेक्ट किया है ना मैंने, उसमें से तू अपना नाम ले ले। तो मैं अगर उसको बोलता क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन, तो मतलब वो मुझे बोल रहा कि क्या मैं टॉप रो ले लूँ, तो वो क्या बोला ये टॉप ले रो उसके लिए ले लूँ, मैंने बोला ओके ले लो। तो इसके इसका नाम अपने आप वो सेल्स ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ सम करो, SUM सम करो, बराबर है। अगर मैं यूज फॉर्मूला जाता हूँ तो यहाँ पे देखो सेल अपने आप आ गया। अगर उस चीज़ को मैं बोलता हूँ तो वही रेंज को डिनोट करेगा, देखो ब्लू कलर भी उसी रेंज को डिनोट कर रहा है। तो आप नेम 2-3 वे से दे सकते हो, नेम मैनेजर में जाके दे सकते हो, राइट, डिफाइन में कर सकते हो, लेकिन यूज एक ही वे से कर सकते हो, जो भी नेम आप इसको यूज कर सकते हो। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप उसको सिलेक्शन से भी क्रिएट कर सकते हो। अब इसके बाद का देखो, देखो ना यहाँ पे ना मैंने एक टोटल निकाला है, ये टोटल मुझे बता रहा है, द टोटल इज 49,932, मतलब लगभग 49,932 ऐसा टोटल है। लेकिन ये आया कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मैं ये जो नेक्स्ट सेक्शन है ना ऑडिटिंग का, इसका नाम है फॉर्मूला ऑडिट्स। मैंने इसका नाम क्या है, इसका नाम है फॉर्मूला ऑडिट्स, ये मुझे काम में आएगा। तो ये देखो कैसा काम आएगा, तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो कैसा क्या है, अपने अपने आप शब्द से लिखा रहा है कि वो नंबर्स को रेफर करेगा, और ये क्या करेगा, रेफरेंस नंबर्स का बताएगा। देखो मेरे पास ये टोटल आया, लेकिन ये कैसा आया मैं नहीं समझ रहा हूँ। आई क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे पहला ऑप्शन चुनूंगा, मैं बोलूंगा ट्रेस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो मैंने प्रेसिडेंट ऐसा लिखा है, तो मैंने बोला उसको क्लिक किया, तो ये देखो इसके साथ पहले टोटल आ गया। फिर मैंने और एक बार क्लिक किया तो बोला कि इसके दोनों के ऊपर डिपेंडेंट वो है। फिर से मैंने क्लिक किया तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर से क्लिक किया तो नहीं, खत्म, इतना ही डिपेंडेंसी। इसका मतलब क्या, ये कैलकुलेट कैसे हो गया ये मुझे पता चल गया। तो मैं किसी भी बंदे का कोई भी फॉर्मूला ढूंढ सकता हूँ कि उसने क्या दिमाग लगाया, फाइन। मुझे ये एरोज नहीं चाहिए अभी, मैंने इसको बोला रिमूव एरोज, तो यहाँ से एरो चला गया। उसके नीचे का जो ऑप्शन है उसका नाम है ट्रेस डिपेंडेंट, मतलब क्या, अगर मैं इस चीज में कोई भी चीज डिलीट कर देता हूँ तो उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होगा। तो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और मैंने बोला ट्रेस डिपेंडेंट, तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये देखो कितने लोग डिपेंडेंट है, बराबर है, फाइन। उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, उसके बाद कोई है क्या, हाँ उसके बाद भी एक छोटा इधर के इधर भी था, तो इतने लोग डिपेंडेंट। अब मैं फिर से क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे एरोज नहीं चाहिए तो मैं फिर से रिमूव एरोज बोलूंगा, ये हो जाएगा। तो आई थिंक यू गॉट द आइडिया कि ये कैसा चेक करना है। दूसरा चीज ना, यहाँ पे काफी सारी जगह पे फॉर्मूला है लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कहाँ पे फॉर्मूला है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको शो फॉर्मूलाज, मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे हर जगह पे जहाँ पे भी फॉर्मूला बताएगा। देखो ये अभी फॉर्मूला दिखा रहा है, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूलाज दिखा रहा है, उसके अंदर के वैल्यूज नहीं दिखा रहा है, फॉर्मूलाज दिखा रहा है। तो आप आराम से क्या फॉर्मूला कहाँ पे लिखा है सर ने, आप आराम से देख सकते हो कैसा कैलकुलेशन किया वगैरह सब देख पाओ। लेकिन नॉर्मली इसके साथ इस मोड में हम लोग नहीं काम करते, हम लोग सिर्फ देखने की कोशिश करते हैं कि वह अंदर क्या लिखा है। तो मैं इसको शो फॉर्मूला को ऑफ कर देता हूँ तो मुझे उसका वैल्यूज अपने आप दिखेगा। यही सही वे है एक्सेल का डेटा देखने के लिए। अच्छा यहाँ पे चेक एरर्स है, अगर यहाँ पे कहीं पे गलती है, कुछ रीजन से यहाँ पे गलती हो गया, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैंने वो नेम आपको डिलीट कर दिया, मान लो ये जो कोई नेम है, ये सेल्स बोल के जो नेम है, इसको अगर मैंने डिलीट कर दिया कुछ वजह से,
जगह पे गलती आएगा, बराबर, एक जगह पे गलती आ रहा है, देखो ये नेम गलती दिखा रहा है, बराबर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ चेक एरर्स, तो जहाँ पे भी एरर है ना, देखो मुझे जाके बता रहा है कि वो जो सम सेल्स है वहाँ पे एरर है, तो मुझे वो क्या करेगा, मैं उसको बोलूँगा शो कैलकुलेशन स्टेप्स, तो मुझे अगर कोई स्टेप्स है उसमें तो वो करके दिखाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जाएगा इवेल्युएट करेगा, वो बोल रहा है फिर वहाँ पे नंबर में गलती आ रहा है, मैं फिर से इवेल्युएट करूँगा, फिर से रिस्टार्ट कर सकता हूँ, थक गया तो उसको क्लोज कर सकता हूँ, ऐसा चीज़ों को मैं इवेल्युएट कर सकता हूँ, या मैं कंप्यूटर को बोल सकता हूँ छोड़ देना वो एरर आ रहा, आने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इसको बोल सकता हूँ इग्नोर एरर, तो उसको छोड़ देगा बेचारे, बराबर है, तो वो देखो यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी दो जगह पे एरर दिख रहा है वो, तो मुझे जहाँ जहाँ पे एरर है मैं नेक्स्ट नेक्स्ट एरर जाके चेक कर सकता हूँ, इसका मतलब क्या पूरे एक्सेल में कहीं पे भी अगर मेरे फॉर्मूलाज में एरर है गलती से कुछ भी वजह से, क्योंकि लोग एक बार एक्सेल आने के बाद बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज करते हैं, अब एरर्स को ढूंढ पाओगे, चेक कर पाओगे। दूसरा चीज़ है इवेल्यूशन, मतलब कि अगर ये टोटल आया कैसा, बराबर है, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, मुझे देखना है के 15 का वैल्यू क्या है, के 17 का वैल्यू क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे उसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ इवेल्युएट फार्मूला, मैं इवेल्युएट फार्मूला को क्लिक करता हूँ, तो मुझे बताएगा ये देखो दो कैलकुलेशन है, तो मैं इसको बोलूँगा इवेल्युएट, तो क्या करेगा के 17 का जो वैल्यू है उसने उसको डाला, फिर से इवेल्युएट किया, फिर के 17 का वैल्यू मुझे डालेगा, इन दोनों का एडिशन करने का क्या वैल्यू आएगा उसने मुझे बताया, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप मुझे करके दिखाता है, बराबर है। उसके बाद ये हो गया इवोल्यूशन फार्मूला, मैं चाहता हूँ चीजों का स्टेप बाय स्टेप वॉच करूँ, तो यहाँ पे एक वॉच विंडो बोल के जहाँ पे आप कोई भी सेल को वॉच कर सकते हो, कभी भी क्या होता है आप जब काम करते हो ना तो आपका कोई कैलकुलेशन एकदम नीचे रहेगा, ऐसा यहाँ पे ऐसा कोई नीचे कैलकुलेशन रहेगा तो आपको थोड़ी पता चलेगा कि वो कैलकुलेशन क्या है, बराबर है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मैं मान लो मेरा कैलकुलेशन यहाँ पे, तो मैं इसको बोलूंगा ये एड टू वॉच और उसको ओके कर दिया, तो अब मुझे क्या करेगा, मुझे हर बार नीचे जाके उसको देखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको यही का यही देख लूंगा, बराबर, जैसा आप आगे बढ़ेंगे ना इसमें, जब जैसा इवेल्युएट फार्मूला में आगे आगे जाएंगे, बराबर है, आगे आगे जाएंगे आप उसमें, फाइन, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको इवेल्युएट कर सकते हो यहाँ पे जाने के बाद, तो आप कर्सर में डेटा नहीं है शायद, ये वैल्यू नहीं है उसको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप है तो उस चीज़ को इवेल्युएट कर लेगा, और यहाँ पे अगर उस कहीं पे भी चेंज है तो चेंज भी हो जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, इससे कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग क्या करते ये कहाँ का सब में इसको फिर से एक बार देख लेते, ये सेल कौन सा है, H13 है, H13, तो H में से ये 13 है, शायद इसके बारे में बात कर रही है ना, ये सब आ गया, इसको देखते हैं, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मैंने बोला किसके ऊपर, हाँ इसके ऊपर डिपेंडेंट, हम लोग क्या करते हैं कुछ रीजन के लिए ना यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चेंज किया मैंने, यहाँ पे वन किया, तो वहाँ पे चेंजेस दिखेगा, देखो भाई यहाँ पे चेंजेस मुझे दिखा, और इस चीज़ को मैं यहाँ पे वॉच कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट करके, मैं इसको बोल सकता हूँ इवेल्युएट फार्मूला और इसको स्टेप बाय स्टेप इवेल्युएट करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो जैसा ही मैं टाइप कर रहा हूँ ना यहाँ पे, देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जैसे ये 4000 यहाँ पे आ गया, कैलकुलेशन अपने आप चेंज हो गए, तो ये कैलकुलेशन चेंज हो रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैलकुलेशन कैसे चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में ना यहाँ पे एक ऑटोमेटिक मार्क टिक्ड है, मतलब जब भी आप एक्सेल में काम करोगे तो कैलकुलेशन में ऑटोमेटिक फार्मूला काम करता है, हमने ना जब स्टार्टिंग में चालू किया था ना तो हमको एक फंक्शन पढ़ाया था रैंडम, ये था यहाँ पे RAN रैंडम बिटवीन, और इसका एक प्रॉब्लम होने का, वो क्या प्रॉब्लम होने का, अगर मैं इसको मार्क्स देता हूँ, बराबर है, और जब भी कोई भी चीज़ रिफ्रेश करेगा कोई भी चीज़ रिफ्रेश करेगा तो हर बार वो फार्मूला चेंज होने का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मोड में आपका कैलकुलेशन, अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ ये ऑटोमेटिक मत रखो मैनुअल रखो, तो आप देखो अगर आपने यहाँ पे चेंज किया ना, देखो ये 19 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके साथ मैं कहीं पे भी चेंजेस कर रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे 1 चेंज किया लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हो गया, क्योंकि अब ये मैन्युअली डिपेंडेंट है, तो अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा अभी के अभी कैलकुलेट करो, मैं इसको बोलूँगा कैलकुलेट नाउ, तो उस चीज़ को कैलकुलेट करेगा, बराबर है, मुझे लगा कि नहीं सभी शीट के अंदर सभी कैलकुलेशन को ठीक से करो, रिफ्रेश करो, तो मैं बोलूँगा कैलकुलेट शीट, तो देखो सब जगह पे जो कैलकुलेशन है वो हो जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बात है कि ऑलवेज कीप ऑटोमेटिक, बाय डिफॉल्ट एक्सेल ऑटोमेटिक देता है, आप भी उसको ऑटोमेटिक ही रखो, फाइन, तो ये मैंने आपको जो भी चीज़ है डिफाइंड नेम
ऑडिट फॉर्मूला, ऑडिट्स और कैलकुलेशंस, इनके बारे में ओवरव्यू दिया है कि डिफाइन नेम क्या करेगा, यूज क्या करेगा और क्रिएट सेक्शन क्या करेगा, नेम मैनेजर क्या करेगा, उसको कॉल करने के लिए आप कंट्रोल F3 भी दबा के उसको एक्टिवेट कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मूला ऑडिट में ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट ऐसे दो चीज़ें, एक इस ये कैसा कैलकुलेट हुआ ये पता चलेगा, दूसरा ये बताएगा अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता हूँ तो कहाँ कहाँ पे फर्क होगा। पर मैं शो फॉर्मूलाज में मुझे फॉर्मूलाज दिखते हैं, ये सब दिखा ना, ये सम 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 फॉर्मूलाज में दिखते हैं, लेकिन ये दो मिनट के लिए एक मिनट के लिए लोग चेक करते, ज़्यादा टाइम चेक नहीं करते। तो इवेल्युएट फार्मूला है जिसमें आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते हैं और ये ऑटोमेटिक है, मतलब ये एक्सेल के फार्मूलाज के अंदर जो लोग इसको टेस्ट करना चाहते हैं, चीज़ें सही है क्या नहीं देखना चाहते, उनके लिए ये काम में आएगा। आई थिंक दैट इज ऑल, थैंक यू।